नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। राजस्थान विधानसभा में उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर नेताओं के बीच कलह सतह पर आ गई है। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और विधायक दल के नेता रामेश्वर डूडी आपस में ही भिड़ गए, जहां दोनों के बीच तीखी कहासुनी भी हुई। राहुल गांधी की मौजूदगी में सोमवार रात को राजस्थान के उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के लिए सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी के बीच कहासुनी हो गई। दोनों नेताओं के बीच विवाद बढ़ता देख इसे सुलझाने के लिए राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से उम्मीदवारों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। सूत्रों के मुताबिक सचिन और डूडी की खुली जंग से राहुल गांधी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक डूडी को अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है, इस लिहाज से विवाद को सचिन पायलट और गहलोत के बीच सियासी जंग के तौर पर देखा जा रहा है। सभी नेताओं को इस विवाद पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया है, मगर मामला नहीं निपटा तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश की तर्ज पर कमेटी भी बना सकते हैं। खबर है कि फुलेरा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, गंगानगर और फलौदी की सीटों को लेकर यह विवाद हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। बीते करीब एक हफ्ते से लगातार पार्टी की ओर से लिस्ट जारी किए जाने का इंतजार हो रहा है, लेकिन किसी न किसी वजह से उम्मीदवारों का ऐलान टल रहा है। राजस्थान में 7 दिसंबर को चुनाव है, जबकि वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होनी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।